हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शाही पनीर। देखिए कितने एकदम अच्छे लग रहे हैं शाही पनीर, और कलर देखिए, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए तो मैंने किस तरीके से बनाई हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी काजू एक मुट्ठी और 3 टमाटर और 1 प्याज को अच्छे तरीके से मैं बॉयल कर लूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बॉयल करके काजू और प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिए हैं, और उसको ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए हैं। इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। यहीं पे मैं कढ़िया में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैं लूँगी इसके लिए। आप चाहें तो पूरे बटर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और थोड़ी सी इसमें बटर ऐड करूँगी। तो अपनी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो पूरे बटर में बनाएँ या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाएँ या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल में बनाएँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच के अंदाज मैंने बटर भी ऐड कर दिए हैं। यहीं पे कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जीरा ऐड किए हैं, और 2 लौंग और 1 इलायची ऐड करूँगी, ताकि जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा लगे खाने में, सब्ज़ी में सारे के फ्लेवर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इलायची और लौंग वो भी मैंने ऐड कर दिए, और यहाँ पे 1 तेज़पत्ता भी ऐड करूँगी, ताकि मतलब जो उसकी तेज़पत्ता की जो फ्लेवर है वो भी अच्छा लगे। तो अपनी अपनी पसंद है, आप तेज पत्ता खाते हो तो आप ऐड करें। देखिए यहाँ पे ना मेरी लाइट चली गई थी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेज पत्ता भी मैं ऐड करूँगी अभी। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी गोल्डन होने के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा गोल्डन होने से ना फिर वो अजीब सी टेस्ट आएंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ही गोल्डन, फिर यहीं पर मैं ना 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो जो टमाटर प्याज जो बॉईल किए हैं तो उसके जगह पे आप वहाँ पे 2 मिर्च अदरक लहसुन भी आप बॉईल करके डाल सकते हैं। तो अपनी अपनी पसंद है। बहुत जन थोड़े से कुकिंग ऑयल में खड़े मसाले के साथ ये सब फ्राई करके थोड़ा सा को मतलब बॉईल करके फिर इसको पेस्ट बनाते हैं। तो मैंने कोई फ्राई नहीं किए थे, मैंने डायरेक्ट बॉईल की हूँ लहसुन, सॉरी वो प्याज और टमाटर और काजू। तो यहीं पे जो मुझे मसाले ऐड करने थे वो मसाले मैं यहीं पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अदरक लहसुन को हल्का सा ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, और इसी पानी में मैं सारे मसाले को फ्राई करूँगी। तो यहीं पे मैंने डाले थे थोड़ी सी दही मिर्च, हल्का सा लाल मिर्च, उसके बाद मैंने जीरा पाउडर और गोलमरीच पाउडर भी ऐड किए थे, और यहीं पर धनिया पाउडर भी वो भी ऐड करूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स मसाला भी ऐड करती हूँ। और अभी बिजली तरीके से मार्केट में शाही पनीर के मसाले भी मिलने लग गए हैं, तो यहाँ पे आप शाही पनीर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, उसके फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। यहीं पर देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्स मसाले भी ऐड कर दिए हैं, तो सारे मसाले को मैं अच्छी तरीके से इसको पहले पकाऊंगी। देखिए यहाँ पे पकाने के बाद मसाले की कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और यहीं पे जो मैं काजू और टमाटर प्याज का जो पेस्ट मैं तैयार करके रखी हूँ उसको भी मैं यहीं पे ही ऐड करूँगी, बट उसको चलने से उसको छानने के बाद मैं उसको ऐड करती हूँ, ताकि जो खाने में ना उसमें अगर कुछ छूट जाए तो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि शाही पनीर जो है उसको एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए, और एकदम इस मतलब वो लगना नहीं चाहिए मुंह में कि काजू और ये। तो यहीं पे मैं तो जो काजू और टमाटर का और प्याज का जो पेस्ट मैं तैयार कर रही हूँ इसको यहाँ पे चलने की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से छान लूँगी, और थोड़े बहुत तो मोटे रहेंगे उसको एक बार और मिक्सी में मैं घुमा लूँगी। उसके बाद उसको वापसी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत मतलब इसको मतलब ना मोटा एक बार और चला लेने से काफ़ी फाइन पेस्ट इसके हो जाते हैं। तो एक बार में अगर ना पीसे तो इसको दोबारा पीस लीजिए, तो इससे क्या होता है ना चीज़ जो है मतलब टमाटर प्याज थोड़ा वेस्ट नहीं होते, और आप इससे आपका ग्रेवी भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मोटे रह गए थे, तो इसको मैं ना हल्का सा पानी डाल के और इसको ना वापसी में मिक्सी में चलाती हूँ, ताकि
जो ग्रेवी है थोड़ा सा और बढ़ जाए और ये वेस्ट भी ना हो। तो देखिए कितने एकदम फाइन पेस्ट में तैयार करी हूँ और कलर देखिए कितने अच्छे आए हैं, एकदम मार्केट के जैसा शाही पनीर का जो वो कलर है वो आए हैं और बहुत टेस्ट मतलब इसके अच्छे लगते हैं खाने में। और यहीं पे मैं शाही पनीर में थोड़ी सी कस्तूरी मिर्च डाल दूँगी, मिर्च ने क्या बोलते हैं कसूरी मेथी है सॉरी कसूरी मेथी फ्राई करके वो भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं 2-3 चुटकी मैं चीनी ऐड करती हूँ और थोड़ा सा ना 1 चम्मच के मात्रे में मैं सॉस वो भी ऐड करूँगी, उससे जो है ना शाही पनीर टेस्ट होते हैं। और इसी जगह पे मैं 1 चम्मच क्रीम भी ऐड करूँगी। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच सॉस में मतलब 1 चम्मच सॉस और 1 चम्मच क्रीम ऐड करती हूँ ताकि जो है थोड़ा सब्जी ना मेरी जो थोड़ी सी क्रीमी टाइप में खाने में लगे। और सच पूछे तो ये पराठे के साथ और रोटी के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में ये, क्योंकि ये सब्ज़ी बड़ा ज़बरदस्त मतलब बनता है। आप घर पे बनाओ तो आप अपने हिसाब से बनाओ तो उसमें मतलब अच्छे भी लगते हैं, और बाज़ार का तो बाज़ार जैसे होते हैं क्योंकि आप सब पता नहीं क्या डालते क्या नहीं डालते। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ, एकदम बाज़ार जैसा टेस्ट आते हैं बिल्कुल खाने में और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत इजली तरीके से बन भी जाते हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो यहीं पे मैंने क्रीम भी ऐड कर दी है, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसके जगह पे घर का मलाई जो है वो भी आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं थोड़ी सी बॉईल होने दूंगी, बॉईल होने के बाद देखिए कैसा एकदम बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फिर फाइनली देखिए मेरी शाही पनीर का जो कलर है बिल्कुल बाजार के जैसा है। तो कैसा लगा मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो में कौन सी और रेसिपी देखना चाहती है ये भी कमेंट करिएगा। और मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में फिर से मिलती हूँ, बाय।